आपके पास रियलमी का C55 स्मार्टफोन है, उसके अंदर आप अपने फिंगरप्रिंट को कैसे सेट कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट की सेटिंग को आप कैसे एनेबल कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का या फिर बायोमेट्रिक का, उसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा फिंगरप्रिंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये कहेगा सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड, तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पैटर्न वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रखिएंगे, उस तरीके से वो डाल देंगे। फिर से बोलेगा डालने के लिए, वही वाला आप फिर डाल दीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब डिस्प्ले पे मैं फिंगरप्रिंट लॉक लगाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा जो फिंगर है इसे मैं इस पर टैप करूँगा, इस पर मैं इस तरीके से टैप करूँगा बार बार। इस तरीके से आपको टैप करना हटाना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। आपको लगाना हटाना है इस तरीके से, फिर से आपको वही सेट करना होगा, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप करते जाइए, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बोलेगा डन, तो डन कर दीजिए। डन करेंगे आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर एनिमेशन आप चेंज करना चाहते हैं, एनिमेशन अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं, तो एनिमेशन सेटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस तरीके से बैक करेंगे। अब ये मैं पावर वाला बटन दबाता हूँ, फिर से दबाता हूँ। अब यहाँ पर मैं जब तक ये फिंगरप्रिंट नहीं लगाऊंगा तब तक ये नहीं खुलेगा, ये देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये सेटिंग है इसके अंदर, ये देख पा रहे हैं। तो वीडियो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।